क्या हो रहा है? अरे निकाल फेंको, किसको खड़ा किया सामने? सही बात है, क्योंकि ये जितने भी मैं स्ट्रिंग अलग तरीके से बजा रहा था मेरे साथ। हाँ, अब अगर स्ट्रिंग ट्यून्ड है तो ट्यून हो गया मेरे साथ। प्रभु स्तुति आराधना हालेलुया। मेरा दिल परमेश्वर के दिल से क्या हो गया? मेरे साथ है। तो ब्रदर उसको उसको फिर से पढ़ दीजिए वो वाला पद को, और उसी के साथ हम खत्म करेंगे, क्योंकि मेरा ये टाइम 11:45 तक, हालांकि और भी है लेकिन अंडर द कंसिडरिंग अभी टाइम के लिए हम यही करेंगे। उसको जरा पढ़ दीजिए। कंक्लूजन में मैं यही बोलूंगा कि जो सेल्फ एग्जिस्टेंस गॉड है, जो अपने आप में अनंत काल का परमेश्वर है, उसकी आराधना हम इस छोटे से टेंट के अंदर बैठ करके कर रहे हैं, जहां मेरा मेरी आत्मा उस परमेश्वर की आत्मा से ट्यून हो गया है। हालेलुया। हाँ, तब तो बात बनती है। तो आप पढ़ दीजिए ब्रदर उसको, वही दूसरा कुरंथियों 4:18, इसको आप जरूर याद करके रखें। यस, और हम तो देखी हुई वस्तुओं को नहीं, हाँ देखी हुई वस्तुओं को नहीं, परंतु अनदेखी वस्तुओं को देखते रहते हैं, क्योंकि हम हमारा पूरा जो व्यक्तित्व है, हमारा शरीर है, ये जो चीज संसार है, वो एक दिन क्या होने वाला है? खत्म होने वाला है, नष्ट होने वाला है। ये अनंत काल का नहीं है, इटर्नल नहीं है। ओके, क्षण भर का, क्षणिक भर का जिसे हम कहते हैं। हाँ, परंतु हाँ, क्योंकि देखी हुई वस्तुएं थोड़े ही दिन की है, थोड़े ही दिन की है, लेकिन परमेश्वर ने इसी वस्तु को पकड़ा, इसी व्यक्ति को पकड़ा, तू मेरी आराधना करेगा। जैसे ये आकाश पृथ्वी और सृष्टि आराधना कर रही है मेरी, तू मेरी आराधना करेगी, तू मेरा आराधना करेगा। लेकिन आराधना कैसे करना है? आत्मा और सच्चाई। हाँ, आगे पढ़िए। हाँ, सदा बनी रहती है, वो है हमारा परमेश्वर, पवित्र आत्मा यीशु मसीह, त्री एक परमेश्वर। उसका ना तो कोई बिगनिंग है, ना तो उसका कोई एंड है। तो ये मेरा और आपका एक प्रिविलेज है, एक सौभाग्य है कि हम उस अनंतकाल परमेश्वर जो सेल्फ एग्जिस्टेंट है, ही इज सेल्फ एग्जिस्टेंट बीइंग, जिसको हम डिफाइन नहीं कर सकते, जिसको हम अपने इस दिमाग से नहीं समझ सकते हैं, उसकी हम आराधना बड़े आत्मा और सच्चाई से विश्वास के द्वारा अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम करते हैं। और जैसे मैंने कहा, लेकिन क्या होना जरूरी है? ट्यून होना जरूरी। और गिटारिस्ट कौन है यहाँ पर जो प्ले कर रहा था? ब्रदर, प्रश्न है, ये जब नए गिटार खरीदते तो पहली चीज क्या करते हैं? आप तो इतने शर्मीले हैं, बोलिए ना, शेर के समान बोलिए। हाँ बोलिए, साउंड देखते हैं। साउंड में साउंड तो मैंने आज तक नहीं देखा, मतलब देखने का मतलब क्या? सुना है, साउंड सुनते हैं, सुनते हैं। साउंड क्या करते हैं? सुनते। कैसे सुनते हैं? ट्यून है ना, तो सही बात है, वो उधर ट्यून हो रहा है यहाँ पर। जब वो सारे गा सब सब मिल जाते, सही बात है ब्रदर। हेलो ब्रदर, हाँ अब हम गाएंगे। गिटार का ट्यून होना, चाहे कितना भी एक्सपेंसिव गिटार क्यों ना हो, वो लकड़ी का टुकड़ा है अगर वो ट्यून नहीं है। एक पुराना गिटार आप उठा लीजिए, अगर वो ट्यून है, वो नए गिटार से कई गुना अच्छा। आपका जीवन, मेरा जीवन, उस सेल्फ एग्जिस्टिंग गॉड जो अनंत काल का है, कैसा ट्यून है?
यहाँ वैसे ही मशीन के समान बता, बटन दबाओ आराधना करो, बटन ऑफ करो आराधना छोड़ो, कहीं ऐसा तो नहीं है? सही बोल रहा ना मैं? कभी कभी ऐसा हो सकता है, हम मशीन बन जाते हैं, मशीन नहीं। हम चर्च में, कलीसिया में, परिवार में सिर्फ आराधना करने आते नहीं है, हम आराधना करते हुए आते हैं, गाड़ी में आराधना करते हुए जाते हैं, जब भी बैठे हैं आराधना। परमेश्वर आत्मा है और जो उसकी आराधना करे कैसे करे? आत्मा और सच्चाई। परमेश्वर हमारी आने वाले समय में अगुवाई करे। प्रार्थना। प्रभु जी, मैं एक छोटा सा चींटी, वो डस्ट का पार्टिकल, वो जो धूल, मैं क्या बोल सकता हूं प्रभु तेरे महानता के बारे में? लेकिन वही जो छोटी छोटी झलकियां तूने अपने वचन में दिया बाइबल में, उसके आधार पर कह सकते हैं हम जीवते अनंतकालीन परमेश्वर की आराधना कर रही है, उसके गुण है। थैंक यू गॉड, प्रभु धन्यवाद हो, तेरी स्तुति और महिमा होने दे कि हम उस अनंत काल परमेश्वर, जब तक कि हम उस छोर तक ना पहुंचे, स्वर्ग में ना जाएं, तब तक हम उसको आराधना करते रहें, मैं और हम सब लोग भाई बहन के रूप में, ताकि तेरी मर्जी ये पूरी हो कि मेरे लोग मेरे कहलाएंगे जो मेरी आराधना कर रहे हैं। We may become the people of worshiping God, परमेश्वर की आराधना कर। धन्यवाद देते हैं हमारे प्यारे प्यारे लोगों के लिए जो कई जगहों से आए, कितने रात में, कितनी मुश्किल सहा उन्होंने, लेकिन होने दे प्रभु जी कि इनके द्वारा वो सारंगी बज उठे आराधना। धन्यवाद के साथ यीशु मसीह के नाम के द्वारा मांगे।